बिल्कुल पैरल चलता है दैट इज द देंट डिजिटल डिवाइड इन इंडिया यह चीज हाईलाइट हुई थी आपके पेंडेमिक के थ्रू हालांकि पेंडेमिक के पहले और पेंडेमिक के दौरान भी जो है वो डिजिटल पेनिट्रेशन आपके रूरल इंडिया में काफी बढ़ी थी बट स्टिल आपकी एजुकेशन ने यह चीज हाईलाइट करी थी कि जो हमारा इंडिया का इकोसिस्टम है तो वो थोड़ा सा बायस्ड है टुवर्ड सिटीज जब भी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं Right? और गांव के अंदर फॉर फॉर वेरियस रीजन की डिमांड कम है सर्विसेज ऐसी नहीं है, नहीं, चाहिए वहाँ पे, है ना? से उठती नहीं है, तो इसलिए सर्विस वहाँ पे नहीं है चाहिए anyway, पे, एक ना उधर वेरियस स्कीम्स चलती रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें से एक है पीएम वानी स्कीम जिसके अंडर एक इनिशिएटिव लिया गया है स्मार्ट ग्राम पंचायत ठीक है अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि इस स्मार्ट ग्राम पंचायत के अंदर एक एक सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया गया है राइट पायलट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया वहां पे तो हमको वो देखना है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट के अंदर है एक सवाल वहां से आ सकता है प्लस बाकी जो सवाल है वो इस पे आ सकते हैं कि स्मार्ट ग्राम पंचायत ये प्रोजेक्ट है ही क्या राइट आइए बच्चे देखते हैं सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत ठीक लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्मार्ट ग्राम पंचायत रेवल्यूशन टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो तो यही से ये क्लियर रख लीजिए आप कि यह जो पायलट इनिशियटिव है कहा लॉन्च हुआ है इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना यूपीएससी मे और मे नॉट आस्क इसका नाम और अगर वो डालते भी हैं इसमें तो कम चांसेस हैं कि वो इसका नाम वगैरह चेंज करके कोई और डाल दे यहां पे बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कहां की बात हो रही है नाउ बेगूसराय हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू इक्विप ऑल इट्स ग्राम पंचायत विद वाई फाई सर्विसेज अंडर पी एम वानी स्कीम है ना इसका भी कुछ ऐसी फुल मैं फुल मैं फॉर्म भूल रहा हूँ हम देख भी लेंगे अभी इट्स इज इट्साई एक्सेसिबल कुछ इस टाइप का नेट, कुछ ऐसी, ऐसी फुल फॉर्म अभी देखते हैं बच्चे हम द स्कीम क्या करती है द द नेसेसिटी फॉर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव एंड फंक्शनरीज टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी फॉर द एम्पावरमेंट ग्रोथ एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत क्योंकि आपकी मैक्सिमम सर्विस जो है बच्चे वो ई e गवर्नेंस की वजह से ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज के आपको ऑनलाइन उसके या तो पोर्टल्स या एप्स जो है उसके आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर सारी सर्विसेज आपकी ऑनलाइन है एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर ऑनलाइन है ना आपने सरकार तक पहुंचना है वो ऑनलाइन है आपने आपको कोई सर्विस चाहिए सरकार से या फिर सरकार से नहीं आपको कुछ बेचना है सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है लेकिन आपके ग्राम पंचायत के अंदर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है वाईफाई वगैरह का एक्सेस नहीं है राइट तो वो सारी स्कीम जो है बाकी गवर्नेंस इट नॉट मेक एनी सेंस राइट कि कोई वहां पे उसको एक्सेस नहीं कर सकता पहाड़ की चोटी पे घर बनाने वाली बात है आपके पास कोई मतलब और घर बना दिया कोई सीढ़ी नहीं है कोई कुछ नहीं है है ना तो नोबडी मतलब नॉट ऑल कैन एक्सेस इट राइट तो वैसे वाली चीज है इफ यू वांट कि आपके उसके अंदर आवाजाही हो आपके सर्विस को यूज किया जाए तो आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा सो so ये पर्टिकुलर चीज उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है और ई e गवर्नेंस और इन जनरल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बनता है राइट right? तो इन केस अगर आपने मेंस मेन्स के आंसर्स वगैरह लिखने तो आप वहां इस इस टाइप के इनिशिएटिव को कोट कर सकते हो है ना और समझा सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे चलते हैं बच्चे क्या करे गए द स्कीम विल हेल्प मीट गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग इन इंक्लूसिव ग्रोथ ठीक है मैंने आपको बताया वेन वी टॉक कि डिजिटल डिवाइड है तो डिवाइड कोई अच्छा वर्ड नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में है ना डिजिटल डिवाइड का मतलब फर्क आ गया है है तो उसको इंक्लूसिव ग्रोथ करनी एंड इंक्लूडिंग गोल ऑफ मेकिंग थ्री करोड़ लखपति दीदी है ना मुझे एक बार ये आप ये बताइए कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है शॉर्ट में आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे टेक फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड इससे ज्यादा मत लेना व्हाट इज लखपति दीदी इनिशिएटिव राइट अ शॉर्ट नोट काइंड ऑफ थिंग राइट फिफ्टी वर्ड्स मत लिखना द स्कीम एम्फरसाइज इज द इंपोर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सोल्यूशन टू एड्रेस देखो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन टू एड्रेस इवॉलविंग नीड्स ऑफ रूरल एरियाज द स्की ऑल्सो फोकसिस ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ यूजर फ्रेंडली एंड अन इंटरप्टेड वाईफाई सर्विस पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग देर बेनिफिट्स टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ रूल जिस मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी Uh, जो आपके एस एच जीज वगैरह हैं ये सब कुछ हैं ये आपको ऑनलाइन उन, ही काम कर रहे हैं तो हैंस दिस इनिशिएटिव मेक्स रॉड ऑफ सेंस राइट ऑलरेडी आपके पास में इकोसिस्टम है परली तरफ का पी एम वानी इको देख लेते हैं पीएम एम वानी स्टैंड प्राइम मिनिस्टर वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है ना ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपके छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं आपके स्टेट वाले उसके अंदर ये डायरेक्टली आ सकता है अदरवाइज ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे तो आप देख लीजिए इसको एक बार याद कर लीजिए क्योंकि अगर ऑप्शन में चार चीजें आएंगी जिसमें तीन गलत होंगे तो वह वानी के बहुत आ, इंट्रीगिंग से ऑप्शन बना के आपके इसके अंदर डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ वहां पर और हो भी जाओगे तो ध्यान रखिए लॉन्च बाय डी ओ टी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लॉन्च टू बोस्टर पब्लिक वाई फाई हॉटस्पॉट टू रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इट इज अ फ्रेम फ्रेमवर्क दैट एनी एंटिटी सुनिए ध्यान से सच एज शॉपकीपर टी स्टॉल ओनर टू से राइट इवन रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जा सकता है राइट एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रस एग्जामिनेशन If you wish to cover your current affairs holistically, for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak, and if you are ziddi enough. Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.